नाथ संप्रदाय का, यहाँ पर यह अनादि काल से मठ बोला जाता है। नाथ संप्रदाय का मठ ही यहाँ पर रेणुमुक्तेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। यहाँ पर जब राजा हरिचंद महाराज ने घोर तपस्या करी थी, यहाँ पर उन्होंने तपस्या क्यों करी थी कि जब विश्वामित्र जी ने सब कुछ उनका राजपाट दान में ले लिया था, उस समय उन्होंने यह तपस्या करी थी। तपस्या करने के बाद में स्वयं महादेव प्रकट हुए, उन्होंने वरदान दिया उन्हें कोई भी यहाँ पे अभिषेक करेगा, पीली पूजन चढ़ाएगा, पीला दान चढ़ाएगा और उसका हर प्रकार का मैं ऋण मुक्त करूँगा। यहाँ पर जैसे देखा जाता है तो आप सातों दिन पूजा होती है, पूजा ऐसी होती है कोई आके पीला दान चढ़ाते हैं, पीला दान में हल्दी गांठ या श्रीफल हो जाता, नारियल या पीला कपड़ा हो जाता, हल्दी गांठ हो जाती, गुड़ भी हो जाते, फूल हो जाते हैं, इसको चढ़ा के लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। मन्नत मांगने के बाद अपनी मनोकामना पूरी होती है, फिर लोग यहाँ पे श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, और ये पास में आप देख रहे हो वहाँ शिप्रा घाट भी है, और अंदर ये महादेव जो एक बड़ी देखा जाए तो प्राचीनता है, महादेव अंदर वड़ वृक्ष के अंदर नीचे अंदर बैठे हुए हैं। देखा तो आप ऐसा नहीं कर बनाया हुआ चीज़, प्राचीन है वो अनादिकाल से, ये बहुत प्राचीन है। वड़ वृक्ष देखा जाए तो बहुत पुराना है, ये कम से कम 25-3 हज़ार साल तो वड़ वृक्ष के हो गए यहाँ पर, और पास में गौशाला भी है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर ये हुआ था कि देखा जाए तो यहाँ सुदामा जी का दरिद्र दूर भी हुआ था। जब सुदामा जी को कृष्ण भगवान यहाँ पर लाए थे, मंगल स्तुति पाठ सुनाया, उनका दरिद्र दूर हुआ। यहाँ पर पांडवन भी आए थे, जब पांडवन का अज्ञातवाद खत्म हुआ तो उन्होंने यहाँ बाबा का अभिषेक किया रेणुमुक्तेश्वर महादेव का। और ये प्राचीन काल से नाथ संप्रदाय का है, इसकी देख रेख सारी साल संभाल पीर योगी रामनाथ जी महाराज करते हैं। मैं देख ही रहे हो, लोग बाहर से आ रहे हैं, पूजा अपनी कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, हम भी कल्याण के लिए यहाँ पर बाकी सुचारू रूप से सारी व्यवस्था बना के चला रहे हैं जी, खुश चल रही है। आप यहाँ मंदिर आते हैं, हम काफ़ी समय से मैं मंदिर आ रहा हूँ यहाँ पर रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर अपनी पीला दान जो है, पीला दान रेणुमुक्त के लिए होता है, उससे अपनी हर मनोकामना उस पर बोल के चढ़ाते हैं हम, और बोलते हैं बाबा को, तो मनोकामना हर पूरी होती है अपनी रेणुमुक्तेश्वर महादेव में। तो काफ़ी समय से मैं आ रहा हूँ, मेरा जो भी बाहर था वो बुक उतरा है यहाँ से, तो जिसका भी ऋण हो या कोई भी प्रकार का ऋण हो वो यहाँ से मुक्त हो सकता है।